हम अपनी जान के दुश्मन को जान कहते हैं, हम अपने जान के दुश्मन को जान कहते हैं, मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं। जिन आंखों में डर दिखाई ना दे, जिन आंखों में डर दिखाई ना दे, उसे तूफान कहते हैं। और भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद से सपूतों को जन्म देने वाले देश को हिंदुस्तान कहते हैं। परम आदरणीय श्रोतागण, देशभक्त, राजप्रेमी, आप सभी को करमन कर की ओर से प्रणाम। पहले तो आप सभी श्रोतागणों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम लोग आज़ाद हैं। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जो कभी गुलामी की ओर होगा। हम बड़े भाग्यशाली हैं कि हमने एक स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। युद्ध आज़ादी की लड़ाई 1857 में ही चल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1957 में देश को आज़ाद करवाया। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत से उदाहरण लेते हुए मैं ये स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंगदे बसंती चोला की एक आवाज़ से टोले के टोले उमड़ आते थे और खून में आने वाले 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों को झंझोर कर रख देता था। ये उस समय की बात है। आज हम लोग बड़ी शान और शौकत से कहते फिरते हैं कि हम एक ऐसे देश में जीते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, जहाँ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्मों के लोग पैदा होते हैं। पर अफसोस, अब यहाँ इंसान पैदा नहीं होते, जबकि एक राष्ट्र निर्माण के लिए ना ही हिंदू, ना ही मुस्लिम, ना ही सिख, ना ही किसी ईसाई की ज़रूरत है, बल्कि एक सच्चे और अच्छे इंसान की ज़रूरत है। आजकल तो लोग देश के कोने कोने में देशभक्ति 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 करते फिरते हैं, तो क्या साल में 2 बार तिरंगे को हाथ में लेना ही देशभक्ति है? जी नहीं, हम अपने काम को दिल लगाकर करें, यही देशभक्ति है। अपने देश को सही रास्ते पर ले जाए, यही देशभक्ति है। हमारे देश की उन्नति तब तक नहीं हो सकती जब तक यहाँ के बच्चे विद्यालय पेट भरने या राशन लेने नहीं, बल्कि दिल लगाकर पढ़ने जाएंगे। स्वच्छ भारत का मिशन तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक सड़क पर चलने वाला हर एक व्यक्ति इसका पालन ना करे। अब बात आती है, क्या हम सच में स्वतंत्र हैं? तो जब कई नेता हमारे जवानों की कुर्बानियों पर कुछ टिप्पणियाँ कर जाते हैं तो हम क्यों चुप रह जाते हैं? हम अपने जवानों को सिर्फ नाम की इज्जत दे पाते हैं। आज मैं एक देश की बेटी ये कहना चाहूँगी कि हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं हो सकता जब तक हम सब मिलकर इस पर काम न करें, क्योंकि ये हमारे देश की जिम्मेवारी नहीं हमें आगे ले जाने, बल्कि हमारी जिम्मेवारी है देश को आगे ले जाने। अब अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरा भारत महान था, महान है और महान रहेगा। धन्यवाद।